सिमडेगा जिले के झारखंड उड़ीसा सीमा पर सटे जलडेंगा थाना क्षेत्र के बासजोर ओपी के बेचिंदुआ जंगल में पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक उग्रवादी को मार गिराया है, साथ ही दो महिला उग्रवादी समेत पांच को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47, देसी कट्टा, 4 पीस .357 बंदूक और काफ़ी संख्या में कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में एरिया कमांडर गुमला के पोकला निवासी जॉनसन बारला भी शामिल है। सुबह बिंदो चुआ गांव में हमारे फोर्सेस, जिसमें मुख्यतः हमारे एसटीएफ के जवान थे और एसटीएफ के पदाधिकारी लोग थे और हमारे कुछ पदाधिकारी थे, उनके साथ पीएलएफआई का मुठभेड़ हुआ है, जिसमें एक नक्सली मारा गया है और एक नक्सली घायल हुआ है। घायल नक्सली प्रवीण कंडूलना है, जो बानो क्षेत्र का एरिया कमांडर हुआ करता था, और हम लोगों ने 5 नक्सलियों को पकड़ा है, जिसमें एक जॉनसन बारला है, जो अपने आप को कोलीबीरा क्षेत्र का एरिया कमांडर करता था। इसके अलावा 2 महिला नक्सली हैं और 2 अन्य नक्सली हैं। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक इनकाउंटर में मारा गया है और एक घायल है, जिसे हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया है। इनके साथ ढेर सारा हथियार मिला है, जिसमें एक AK-47 है, 4 .357 राइफल है, कट्टा है, ढेर सारी गोली है, अमुनेशंस है, इनका पिट्ठू है और ढेर सारा नक्सली लिटरेचर्स वगैरह मिला है। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और सारा डिटेल्स आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसमें हमारे जवानों ने काफ़ी बहादुरी से काम किया। काफ़ी देर तक मुठभेड़ चली है, जिसमें हमारे जवानों ने और हमारे पदाधिकारियों ने बहुत ही बहादुरी से इस मुठभेड़ को लीड किया है और सफलता पाई है। सर, पुलिस की ओर से कोई हताहत की सूचना नहीं? पुलिस की तरफ से किसी को कोई हताहत नहीं हुआ है। बड़ा ही वेल प्लान्ड और वेल टैक्टिकल ऑपरेशन किया गया है ये एसटीएफ के द्वारा, इसमें पुलिस की तरफ से कोई हताहत नहीं। सर, ये सुनियोजित अति ऑपरेशन था सर? क्या सर, टैक्टिकल ऑपरेशन था। हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा था इनके बारे में, इनकी गतिविधि काफी बढ़ रही थी, ये लोग संख्या में भी काफी बढ़ रहे थे, जो पता चल रहा है कि संख्या इनका अच्छा खासा बढ़ा हुआ था। तो ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, सिमडेगा।